हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए दा फिल्म्स को। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा, जो आजकल ज्यादातर विदेशों में रहती हैं, अब जल्द ही बॉलीवुड फिल्मों में अपनी अदाओं का जलवा बिखेरती नजर आएंगी। प्रियंका चोपड़ा पिछले दिनों हॉलीवुड की फेमस टेलीविजन सीरीज क्वांटिको 3 की शूटिंग में बिजी थी, लेकिन अब शूटिंग खत्म हो चुकी है और वो मुंबई वापसी भी कर चुकी हैं। इसी के साथ ही वो बॉलीवुड फिल्मों में कमबैक करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। विमेंस डे पर प्रियंका ने रणबीर सिंह को लाइव इंस्टाग्राम कन्वर्सेशन में बताया था कि उनका बॉलीवुड में कमबैक जल्द ही होगा। And we all miss you a lot. Why don't you come back to India and do some more Hindi movies? For God's sake, please. It's almost happening, Ranno. It's almost happening. लेकिन फुल डिटेल्स नहीं बताई, पर हम आपको बता दें कि सुनने में आ रहा है कि प्रियंका चोपड़ा फिल्म मेकर अली अब्बास जफर के साथ कोलैबोरेट करेंगी उनकी आने वाली फिल्म भारत के लिए। भारत फिल्म के लीड हैं सलमान खान। माना जा रहा है कि प्रियंका और सलमान सिल्वर स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे। इन दोनों की जोड़ी को मुझसे शादी करोगी और गॉड तुसी ग्रेट हो फिल्मों में काफी पसंद किया गया था, और अब ये 10 साल के बाद दोबारा एक साथ नजर आएंगे। सलमान खान अपनी फिल्म रेस 3 के लास्ट शेड्यूल को जल्द ही रैप अप कर देंगे और फिर वो मिड ऑफ 2018 में भारत की शूटिंग स्टार्ट करेंगे, और सलमान खान की इस फिल्म में लीडिंग लेडी बनेंगी प्रियंका चोपड़ा। अगर ये जोड़ी दोबारा देखने को मिली तो प्रियंका के लिए इससे अच्छा प्रोजेक्ट कोई नहीं होगा बॉलीवुड में कमबैक के लिए, जिसकी तलाश में उनको काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। और सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा के फैंस के लिए भी इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए दा फिल्म्स को।